वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसएन यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बैच की एक और धमाकेदार क्लास में। और वो धमाकेदार क्लास कौन सी होने वाली है? लेक्चर नंबर 39 नंबर का जो लेक्चर है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। और यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 4। ग्रेविटेशन पार्ट 4 हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ग्रेविटेशन का कोई भी पार्ट या पीछे की क्लास लेक्चर नंबर 39 से पहले का, तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो टाइटल लगाएं। जैसे आपने वर्क एनर्जी पावर सिलेक्शन बैच बाय आरएस सर, टॉपिक आपके सामने होगा, मिल जाएगा। वैसे मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, इसको मैं और आगे अपडेट कर दूंगा। तो कोई भी टॉपिक देखें, सिलेक्शन बैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक पॉइंट आपका विजुअल इफेक्ट के साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे एक बार क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, लाइक बटन दबा दें, जय हिंद कमेंट सेशन में लिखते हैं और उसके बाद में तैयार हो जाएं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और आज की क्लास प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि वेरिएशन इन जी पढ़ेंगे हम, उसके बाद में एस्केप वेलोसिटी भी आएगा, तो बहुत तगड़े सवाल बनने वाले हैं। एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। और एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्लास को शेयर जरूर कर दें फटाफट से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इसीलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, मैं थोड़ा रेस्ट में था, ठीक है। पर आज भी आपको थोड़ा वॉइस को एडजस्ट भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है, आप शायद इसको एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम जो ग्रेविटेशन टॉपिक है उसमें सबसे पहले वेरिएशन इन जी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम एस्केप वेलोसिटी यानी प्लाइन वेग की बात करेंगे। हम इसको रॉकेट को लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे तैयार हैं रॉकेट लॉन्च करने के लिए? यस, जय हिंद बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दिया करो, क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली है, क्योंकि आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो हम अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करके आपको क्लास बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेरिएशन इन जी में जो हमने परसों क्लास खत्म किया था उसमें हमने हाइट और डेप्थ देख लिया था। वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट एंड ड्यू टू डेप्थ, दोनों चीज हमने क्लियर कर ली और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत जबरदस्त की थी तीसरे लेक्चर में। आज इसका चौथा लेक्चर है, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वीय त्वरण में कैसे परिवर्तन होता है। आपको पता है पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार थोड़ा सा चपटा है, ठीक है। और उसमें जो अपन बात कर सकते हैं कि उसकी जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, जो पोल है, उन पे लगभग 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। जैसे 6400 किलोमीटर है, उसमें से वो 21 किलोमीटर कम होगा पोल पे। तो आपको मैं इसको डायग्राम से क्लियर करना चाहूंगा। आपके सामने एक डायग्राम है, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम पे एक बार फोकस करिएगा। ये इसका सेंटर है पृथ्वी का, यहां पे अपने ओ लिया है और इससे ये इसका अक्सिल इक्वेटोरियल अक्सिस पॉइंट है और ये इसका पोलर एक्सिस है। ये पोलर एक्सिस है और ये आपका इक्वेटोरियल एक्सिस है जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। अगर मैं ये बात करूं, ये पूरा गोल पृथ्वी है यहां से यहां तक का, तो अगर हम इसको दूर लेके जाते हैं इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे अक्ष पे, तो ये जो दूरी आती है वो निकल के आती है 21 किलोमीटर। सेम कहानी इधर बनेगी, ये दूरी निकल के आती है 21 किलोमीटर। ये जो रेडियस है इस साइड में वो आर ई फॉर इक्वेटोरियल है और ये जो दूरी है त्रिज्या है वो आर पी पी फॉर पोल है। ये ध्रुवों के लिए है और ये आपके इक्वेटोरियल अक्ष के लिए यहां पर दिया गया है। तो सर इस 21 किलोमीटर की वजह से फर्क क्या पड़ेगा? इस पे फर्क पड़ेगा बेटा, अगर आपको यहां पे मैं रेडियस को अगर डिफाइन करता हूं तो यहां पे भाई सीधी सी बात आपको साफ साफ नजर आ रहा है, आर ई ग्रेटर देन आर पी, ठीक है। जो इक्वेटोरियल जो पॉइंट है वो अक्षीय का जो रेडियस है, जो पोल के जो रेडियस है उससे 21 किलोमीटर ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं जी का जनरल फॉर्मूला लेता हूं, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, अगर मैं ये लेता हूं, अगर मैं ये पोल के लिए लिखता हूं तो आर पी लिख दूंगा, अगर मैं यही चीज लिखता हूं जी ई इक्वेटर के लिए लिखता हूं तो देखिए जी एम ई, इसको पृथ्वी का द्रव्यमान बता देते हैं हम। अब आर पी की जगह क्या लिखेंगे हम? आर पी में आर पी से कितना ज्यादा है 21 किलोमीटर, तो मैं लिख सकता हूं आर पी प्लस का 21 किलोमीटर और इसका होल स्क्वायर।
अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे और इनके इनको कंपेयर करने पे एक रिलेशन आपको निकल के आएगा, और वो रिलेशन ये निकल के आएगा भाई दूरी कम है तो जी ज्यादा होगा, यानी जी पी ग्रेटर देन जी ई। यहाँ पे ई की त्रिज्या ज्यादा थी तो यहाँ पे पोल पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा, और इसी रिलेशन को लेकर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक बार ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, ज्यादा कम कहाँ पे है, रिलेशन रेडियस का क्या है, और इस रिलेशन से ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए और ये फाइनल रिजल्ट बताया है, क्या सभी बच्चों का क्लियर है? थोड़ा सा वो इसका प्रॉब्लम है जो शायद आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस। ठीक है, आगे आप इसको यहां पर भी मैंने नोट किया है, आप नोट्स में यहां से नोट कर सकते हैं कि आर पी लेस देन आर ई है, यहां पे इसमें 21 किलोमीटर ज्यादा है, ये आपका जीपी पे आ जाएगा और ये आपका जीई पे आ जाएगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये रिलेशन निकल के आएगा जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूं। ठीक है सर, जय हिंद, नमस्ते। नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे चलते हैं, देखिए एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से एक बार इस सवाल को सॉल्व करें, इसका जवाब मुझे दीजिए। टाइम स्टार्ट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि टाइमिंग की जरूरत नहीं आई हो, आप डायरेक्ट कर लोगे। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से फ्रॉम इक्वेटर टू पोल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है, देन इसके वेट में क्या चेंज होगा? फटाफट मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे, जल्दी से। याद है सर, सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, शाबाश, वेरी गुड, क्लियर है सर, गजब, क्लियर है सर आपकी वॉइस बेटा? क्लियर तो है, लेकिन मेरा जी जान रहा है गले में कितनी जलन हो रही है, हालत खराब हो गया, कल भी इसी वजह से क्लास आपका नहीं हो पाया था। यस, बी पे टारगेट कर रहे हैं बच्चे, बी क्या ऑप्शन है? बढ़ जाएगा फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, क्या बात कर रहे हो? यस, सारे बच्चे एक साथ आंसर देंगे, ओके, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे ऑप्शन बी। हाउस द जोस, हाउस द जोस, रिप्लाई ऑन लाइक बटन, फटाफट से सारे बच्चे, ठीक है, कमेंट में तो आपने आंसर दे ही दिया, बहुत अच्छा लगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। बेटा अभी मैंने आपको बताया, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो भैया आपका जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जी पी ग्रेटर देन आपका जी ई है, ये चीज आपको पता है। अगर ऐसा है तो जब जी पी बड़ा है, इक्वेटर से पोल पे गए तो जब जी बढ़ गया तो भैया एम जी भी बढ़ेगा, और जब एम जी बढ़ेगा इसका मतलब भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। हाई सर, थैंक यू बेटा, यही सपोर्ट आपका चाहिए, क्योंकि इसी सपोर्ट के पीछे तुम यहाँ खड़े रहते हैं, ठीक है, इसी सपोर्ट के लिए तो यहाँ खड़े रहते हैं। चलिए जी आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब इससे न्यूमेरिकल आता है तो अक्सर बच्चे हार मान जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, लेकिन इसको समझिएगा। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने एक्स पे रोटेट करती है, तो क्या रोटेशन की वजह से जी चेंज होता है? यार ऊंचाई पे जाने पे जी चेंज होता है, डेप्थ गहराई में जाने पे जी में वेरिएशन आता है, पृथ्वी का जो सेप साइज है, आकार आकृति है, उसकी वजह से जी चेंज होता है। और अब अपन देख रहे हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो घूर्णन है उसकी वजह से भी जी में वेरिएशन आता है, उसकी वजह से भी जी में परिवर्तन आता है। तो यहां पे उसमें परिवर्तन किस प्रकार से आएगा उसकी बात अपन यहां पे करेंगे, क्यों परिवर्तन आएगा उसकी बात अपन यहां पे करेंगे। बेटा एक चीज मुझे बताइए, अगर ये पृथ्वी घूमती है, अगर कोई पार्टिकल बेटा यहां पे है, यहां से घूम रहा है, अगर इस तरीके से घूमती है, एक पार्टिकल यहां पे मैंने लिया है, एक पार्टिकल मैंने यहां पे लिया है, और एक पार्टिकल मैंने यहां पे लिया है, एक पार्टिकल मैंने यहां पे लिया है, बेटा ये पृथ्वी पे मैंने अलग अलग डॉट बना दिए, तो जब ये घूमेगा तो क्या सभी पे बराबर बराबर इफेक्ट पड़ेगा? एक इस पार्टिकल पे, एक इस पार्टिकल पे, और बीच में आपको और भी बहुत सारे पार्टिकल नजर आ रहे हैं। मैं बहुत बड़ा इसका जो डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है 3 से 4 नंबर का, 3 से 4 मार्क्स का, वो तो मैं नहीं करवा रहा, डेरिवेशन तो आपको नहीं करवा रहा, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा कि जब ये घूमता है पृथ्वी, रोटेट करता है अपने एक्स पे, तो इस पे ये जैसे ये पॉइंट है, ये बाहर की तरफ खींच के चले जाते हैं, और उनको खींचने के लिए आपका सेंट्रीपेटल फोर्स ही होता है, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पे
एम जी डैश के रूप में आता है, परिणामी बल आता है, बाहर की तरफ बल लग रहा है आपका एम। वैसे ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर था बेटा, ये डेरिवेशन का हिस्सा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर था, लेकिन वी का वैल्यू ओमेगा आर रख के जब आपने इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब कोस लैम्डा क्यों आया, क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट बना दिए, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर था तो एक कंपोनेंट ये आ गया, दूसरा कंपोनेंट इसका इस तरफ आएगा जिसका अपन यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको ले जाके इसमें आपका टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, इसमें एक ही सवाल पे फोकस करना है जहां से हमें न्यूमेरिकल बनाना है, जहां से हमें सवाल बनाना है, और शायद वो बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, यस यस हाँ बेटा, सेंट्रीपेटल फोर्स, बिल्कुल बेटा सेंट्रीपेटल फोर्स। बेटा कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे, बच्चे कमेंट कर रहे हैं फालतू के कमेंट पे ध्यान दे बेटा, स्टिकर वगैरह नहीं चाहिए हमें, क्लास में जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर चाहिए मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको लाइक करने में और अगर रिप्लाई करने में जब क्वेश्चन पूछता हूँ उसके कमेंट में प्रॉब्लम है तो भी मत करिए आप, लेकिन जो बताया जा रहा है ना उसको पूरा फोकस के साथ में समझिए, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है क्योंकि वो हमारे काम में आने वाला एग्जाम में। ठीक है यस। तो बेटा देखिए यहाँ पे अगर अपन इसका जो फाइनल रिजल्ट का जो फॉर्मूला है अगर उसको लर्न करते हैं, बिल्कुल बेटा जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। बेटा यहाँ पे मैं आर ओमेगा आर पृथ्वी की त्रिज्या, अगर आप ये लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट आता है, और मैंने आपको बताया कि मैं इसका डेरिवेशन करवा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारे को मतलब है केवल इस फॉर्मूले से, हमारे को इस डायग्राम से भी कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताई है सारी चीज, बाकी हमारे को इस फॉर्मूले से मतलब है बेटा। अब इस फॉर्मूले में कुछ चीजें समझे आप बेटा, जी डेस यानी नया गुरुत्वीय त्वरण, जी जो आपका एक्चुअल मास गुरुत्वीय त्वरण होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद देखिए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बेटा इसके रोटेट करने की वेलोसिटी है यानी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, आर रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या बेटा, इसको मैं आर भी लिख सकता हूँ आर ई भी लिख सकता हूँ। अब बात आती है कॉस लेमडा, सर लेमडा का वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, लेमडा यहाँ पे अक्षांश है, एटीट्यूड है जिसको अपन कह सकते हैं, वो कहाँ पे रखा हुआ है उसको, ये बिंदु मैंने लिया है इसका लेमडा है, अगर ये बिंदु है तो इसका लेमडा कम होगा, ये बिंदु है तो इसका लेमडा ज्यादा होगा, अगर ये बिंदु है तो इसका लेमडा कितना हो जाएगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा उसका लेमडा कितना हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया, उसका लेमडा हो जाएगा आपका 90। ठीक है, मैंने गामा लिख दिया था, उसका लेमडा होगा 90, और अगर अपन बात करें इक्वेटर की अक्षांश की तो उसका लेमडा होगा 0। इसी बेसिस पे मैं आपको सवाल पूछूंगा अभी आगे, अगर अपन बात करते हैं इक्वेटर की यानी अक्षांश की तो उस कंडीशन में लेमडा आपका है वहां पे 0, अगर लेमडा 0 है तो बताओ जी डेस बराबर क्या आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, ये अपने को फॉर्मूला मिलेगा पहली कंडीशन में। मैं दूसरी कंडीशन बना रहा हूं अभी क्लियर करूंगा बेटा, अगर अपन बात करें पोल पे तो बेटा पोल पे आपका लेमडा कितना हो जाएगा 90, और कॉस 90 का वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा कोई बच्चा मुझे बताएगा जी डेस बराबर केवल जी, यहाँ पे बहुत बड़ी राज की बात हम कॉन्सेप्ट के रूप में तैयार करने वाले हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहला काम था हमारे ये जनरल फॉर्मूला तैयार करना, अगर आपने ये जनरल फॉर्मूला तैयार कर लिया है तो अब आप देखिए जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे तैयार किया है इस फॉर्मूले से हम इसके अक्षांश पे निकाल सकते हैं और हम इसके इक्वेटर पे सॉरी इसके पोल पे निकाल सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है शायद आपको एग्जाम में मिल जाए, क्या कि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से पृथ्वी के घूर्णन की वजह से सबसे ज्यादा कमी गुरुत्वीय त्वरण में कहां पे आती है, तो हमारा जवाब होगा उसके इक्वेटर पे, उसके आपका जो इक्वेटोरियल जो अक्ष है उस पे, ये देख रहे हो कितनी कमी आ रही है, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस हो रहा है। आप मुझे बताओ अगर अपन बात करते हैं पोल की, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे ध्रुवों की, तो क्या पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ध्रुवों पे अगर कोई बिंदु रखा हुआ है तो क्या वो घूमेगा, वो तो वहीं पे रखा हुआ रहेगा, तो बताओ पोल पे क्या जी में कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, जी डेस बराबर जी। अगर अपन पृथ्वी का घूर्णन बढ़ा दें, पृथ्वी का स्पीड बढ़ा दें, तो बताओ अक्ष पे सॉरी पोल पे गुरुत्वीय त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम क्या कहेंगे भाई पोल पे पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो घूर्णन करे चाहे उसका घूर्णन बढ़ाए,
रोटेशन कम करें, रोटेशनल स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएं घटाएं, वो स्थिर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो है आपका पोल का जो अक्ष है, यानी पोल पे रोटेशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इक्वेटोरियल लाइन पे, अक्ष पे, ये जो वैल्यू है अधिकतम कमी ये आएगी उसमें। ये मैंने 3-4 सवाल आपको क्लियर कर दिए हैं, 3-4 सवाल मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटा, ठीक है। अब इसके क्या क्या सवाल बढ़ेंगे मैं वन बाय वन आपसे डील करना चाहता हूं, लेकिन प्रेजेंट जो आपकी स्क्रीन पर स्लाइड है, इस स्लाइड के लिए एक बार मैं आपका यस चाहता हूं, क्लियर है तो एक बार कमेंट में बता दे या लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा के बता दे। ये चीज क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा फटाफट, क्योंकि आगे अब इसके पॉइंट डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। यस क्लियर है, चले आगे। चलो जी देखिए यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ये यही इसका राज है, बस ये फॉर्मूला में याद रखना है, इसी का खेल है पूरा का पूरा, और कोई कहानी नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसका एक पहले क्वेश्चन आ गया है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद में इसके आगे कंडीशन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी की त्रिज्या आर, कोणीय वेग ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ध्रुवों पे जी का मान जीपी, जीपी पी फॉर पोल, ठीक है, लैम्डा 60 डिग्री, देन जी का इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा। क्या मस्त क्वेश्चन है ना, जबरदस्त, एक बार इसको सॉल्व करें मजा आ जाएगा, शाबाश, गजब का क्वेश्चन है बेटा, शाबाश, गजब गजब, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, जल्दी से सॉल्व करें, इसका आंसर दें, कितने बच्चे सॉल्व करेंगे। यस सर, ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, गजब, शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, देखें कितने फास्ट आंसर आते हैं, सारे बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सारे बच्चे आंसर करेंगे, शाबाश, मतलब फॉर्मूला याद हो गया है, इसी तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे इस फॉर्मूले पे बेटा, और जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल बनेंगे मैं उसको अगले वाले स्लाइड में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहला न्यूमेरिकल से आपको आइडिया लग गया, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा की, तो यहाँ पे बेटा आपको लेमडा 60 दिया है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव है, जी डेस है वो, और बेटा जो ध्रुव पे जो गुरुत्व त्वरण है वो जीपी, तो उसको पोल में लिख दिया जीपी, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, बेटा कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2, बट कॉस स्क्वायर लेमडा है, 1/2 का स्क्वायर किया तो 4, तो ये आगे 1/4 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 4, और ये आपका ऑप्शन ए नजर आपको आ रहा होगा। बताओ क्लियर है सभी बच्चों का, इसी तरीके के न्यूमेरिकल बनेंगे, सारे के सारे ऑप्शन मुझे ए नजर आ रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चों के आंसर ए नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आपने सॉल्व किया है ऑप्शन ए के रूप में, राइट ऑप्शन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस आपके साथ करने जिनसे सवाल बनने वाले होते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट पे बात करते हैं। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको नोट्स में मैंने आपको बताया है कि क्लास इसी तरीके से डिजाइन की जाती है, इसी तरीके से तैयार की जाती है कि जब आप खुद नोट्स बनाने जाओ तो वो लैंग्वेज भी लिख पाओ, ताकि जब आप खुद पढ़ो अपने नोट्स को तो वो लैंग्वेज आप पढ़ के फिर से अंडरस्टैंड कर सको कि क्या मुझे बताया गया था, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में अगर अपन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है अक्षांश कोण, जो आपका एंगल है लैम्डा, अगर वो जीरो होता है, यानी अपन बात करें सीधा इक्वेटर की, यानी इक्वेटर की अगर अपन बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें, लैम्डा बराबर जीरो है तो जी डैश मिनिमम आएगा, वहां पे सबसे ज्यादा कमी होगी, तो जी डैश मिनिमम, जी ई बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा, कोस लेमडा का वैल्यू 1 हो गया है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लास्ट वाली स्लाइड में, ये बात मैं आपको क्लियर इधर करवा चुका हूं, आप देख रहे होंगे ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, लेमडा 0 वाला वैल्यू, ये जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहां से आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई अक्ष पे पूछे, मतलब आपके इक्वेटर पे पूछे, आपसे पोल पे पूछे, तो वो सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा पॉइंट आपका, अगर जो आपका जो एंगल है वो आपका लेमडा अगर 90 हो, तो 90 का मतलब पता है कहां की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोल की, हम बात कर रहे हैं ध्रुवों की, और ध्रुवों में देखिए कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो जी डेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जी डेस मैक्सिमम होगा, जो कि पोल के गुरुत्वीय त्वरण के
बराबर होगा, यानी जी पी बराबर जी। और ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दी है क्या कि ध्रुवों पे गुरुत्वीय त्वरण जी पी पी फॉर पोल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो गुरुत्वीय त्वरण है आकार आकृति की वजह से गुरुत्वीय त्वरण है जी पी ग्रेटर देन जी ई पोल पे इक्वेटर से ज्यादा होता है। बता दीजिए फटाफट से ये डिफरेंस भी दिया गया 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आपको किसी बुक में ये ऐसा सवाल कोई प्रैक्टिस के लिए मिलेगा नहीं तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत मैंने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन बहुत ही कम। और ये जो डेल जी में जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है इक्वेटर पे और पोल पे वो केवल रोटेशन की वजह से बेटा, केवल रोटेशन की वजह से, कहीं आप शेप साइज की वजह से निकाल दो आकार आकृति वाला पिछला वाला कॉन्सेप्ट इधर लगा दो, नहीं नहीं नहीं, ये रोटेशन की वजह से पोल पे और इक्वेटर पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें कितना डिफरेंस है 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि काफी कम वैल्यू रहेगी, ये केवल रोटेशन की वजह से है। तो बताओ दूसरा पॉइंट आपका क्लियर है, यहां से दूसरा पॉइंट क्लियर है बेटा, ठीक है यस। चलो आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया आपका, तीसरा पॉइंट एक सेकेंड, दूसरा पॉइंट ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, चौथा पॉइंट है, तीसरा नहीं है, चार नंबर टाइप हो गया, तीन नंबर आ गया यहाँ पे। यदि पृथ्वी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई भी बुक उठाओगे अच्छी बुक उसमें क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा इस तरीके का, क्या कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट करना बंद कर दे, घूर्णन करना अचानक से बंद कर दे या घूर्णन बंद हो जाए तो ध्रुवों के अतिरिक्त सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण, सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण, सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। कहां पे? अगर अपन बात करें ध्रुवों के अलावा, ये क्या सवाल था सर, हम तो पूरा हिल गए। आपने अभी क्या बताया सर, आपने हमें बताया, हम तो कंफ्यूज हो गए, ये आपका पृथ्वी है, इसका सेंटर है, ये इसका इक्वेटर है, ठीक है, और ये इसका पोल है, चलो जी ठीक है। अगर पृथ्वी रोटेट करना बंद कर देगी तो बताओ बेटा पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या पोल पे गुरुत्वीय त्वरण में कोई चेंज था, क्या पोल पे पृथ्वी त्वरण में कोई परिवर्तन था रोटेशन की वजह से? नहीं था। तो पृथ्वी अगर रोटेट करना अगर बंद भी कर देगी तो जी पे पोल पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ध्रुवों के अतिरिक्त, यानी ध्रुवों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पोल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर बाकी देखो ये क्या बोल रहा है, हम तो कंफ्यूज हो गए, क्या बोल रहा है, बढ़ जाएगा। सर कैसे बढ़ जाएगा बेटा? इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आपने फॉर्मूला याद किया होगा, जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी तो आप मुझे बताओ ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया? जीरो। अगर पृथ्वी रोटेट करना बंद कर देगी, आप अपने नोट्स में डालिएगा यहाँ पे कॉस्टक में, ओमेगा इक्वल टू जीरो। अगर ओमेगा जीरो हो जाएगा तो आप मुझे बताओ जी डेस बराबर जी हो जाएगा, यानी पहले जो रोटेशन की वजह से ये जो कमी आ रही थी, रोटेशन की वजह से ये कमी आ रही थी, अब वो कमी नहीं है, मतलब पहले से तो ज्यादा ही हो गया ना। सोच के देखना एक बार, थोड़ा सा समझना कि जो कमी हो रही थी रोटेशन की वजह से, अब रोटेशन नहीं हो रहा है तो ये कमी नहीं होगी, नहीं होगी मतलब पहले से ज्यादा वैल्यू होगी ना, तो वैल्यू तो इंक्रीज कर गया ना, मान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से इस पॉइंट को क्लियर करना है, नहीं तो मामला बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से बहुत अच्छा सवाल बनता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों का? सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? ठीक है यस, यहां तक क्लियर है, आगे चले। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारहीनता की स्थिति, बेटा वेटलेसनेस की कंडीशन क्या है, हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस यानी भारहीनता की स्थिति क्या होती है, मतलब कि उसका वेट ही जीरो हो जाए, भारहीन हो जाए, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी भी बुक को उठा के देखोगे तो इसका सवाल फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको मिलेगा। सवाल क्या मिलेगा, उन सवालों पे फोकस हम करेंगे, उसी के साथ अपनी पॉइंट तैयार किया है। क्या कि यदि भूमध्य रेखा पे, यानी अगर अपन बात करें इक्वेटर की, यानी यदि भूमध्य रेखा रेखा पे रखी किसी वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो पृथ्वी का कोणीय वेग, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो आपका है, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है, अगर वो जीरो हो जाए, भाई
मैं क्या कह रहा हूं यार, बाहर हील की स्थिति आ जाए, मतलब अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, हमारा भार हमें क्यों महसूस होता है? हम पृथ्वी पे खड़े हैं, हमें अपना वेट महसूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लग रहा होता है, उसको बैलेंस कर रहा होता है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो आपका है, अगर ये जीरो हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, कौन ये जो वेग है वो किस प्रकार से आपका चेंज होगा, उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। 1.25 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, जो इनिशियल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी उसका कितना गुना? 17 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 17 गुना। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की अगर अपन बात कर ले, अगर उसको जीरो करेंगे, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करा रहा आपको, तो उस कंडीशन में अगर वो जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा, तो जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है वो पहले के कंपेरिजन में कितना गुना? 17 गुना। इतना वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू कितना होगा? ये जो कि पहले के कंपैरिजन में कितना गुना है? 17 गुना है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट टाइम में जो पृथ्वी है, अगर इसको 17 गुना तेजी से घुमा दें तो क्या होगा? ये सवाल आपको किसी बुक्स में मिल जाएगा। अगर ये जो प्रेजेंट टाइम में जो पृथ्वी घूम रही है भाई, ये ओमेगा, ये जो वैल्यू है वो कितना गुना है? 17 गुना इनिशियल वैल्यू का। तो प्रेजेंट टाइम में जो रोटेशन हो रहा है पृथ्वी का, अगर उसको 17 गुना घुमा दे तो क्या होगा? सवाल ये मिलेगा आपको बुक्स में, एग्जाम में। तो हम कह देंगे कि सभी वस्तुएं हवा में तैरने लगेगी, हवा में उड़ने लगेगी, क्योंकि उस कंडीशन में पूरा का पूरा वेटलेसनेस का कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, बाहर हीनता की स्थिति आ जाएगी। एक तो ये सवाल आप अपने दिलो दिमाग में या अपने नोट्स में कॉपी करके लिख लीजिएगा, ठीक है? यानी बाहर हीनता की स्थिति आ जाएगी अगर इनिशियल वेलोसिटी को 17 गुना बढ़ा दें तो। पृथ्वी का आवर्तकाल कितना हो जाएगा उस कंडीशन में? इस कंडीशन में यह भी सवाल बनेगा, यदि पृथ्वी के एंगुलर वेलोसिटी को, पृथ्वी के कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ा दें तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, या भारहीनता की स्थिति में टाइम पीरियड कितना होगा? 2π/ω। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 1.4 आवर्स, ये आवर्स के रूप में आएगा, 1.4 आवर्स के रूप में आपका आवर्तकाल, नया कॉन्सेप्ट आपका टाइम पीरियड के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये आवर्तकाल याद रखना आपको, और ये यहाँ पर आपको वेलोसिटी जो 17 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे वेटलेसनेस की कंडीशन बन जाएगी, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। ये तीनों सवाल जो मैंने आपको बताए सभी बच्चों के क्लियर है? 458 बच्चों ने प्रेजेंट लगा दिया है, ठीक है? यस, क्लियर है बेटा? गजब, शाबाश। हाँ, लगभग 80 80, कुछ बुक्स में 84 दे रखा है, कुछ में 86 भी है, 87 भी है, ऐसे अलग अलग वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगी। चलो अब अपन चलते हैं एक अलग पॉइंट पे, और ये पॉइंट बहुत अहम है, इस पॉइंट को समझ लो, क्योंकि इससे आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। क्या पॉइंट है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा डिस्प्लेस करने के लिए किया गया कार्य। तो मैं इसका कोई डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जुगाड़ आपको बता दूंगा जो आपके दिमाग में रहेगा। बेटा कार्य बराबर, वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो आपने आर विस्थापन कर दिया, अब आप मुझे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा जो क्या होता है किसी पिंड के लिए, कैपिटल एम स्मॉल एम बटा कहाँ तक डिस्प्लेस किया, मान लो आर दूरी तक, आर दूरी पे उस पर बल लग रहा है वो, तो ये बेटा आर हो गया, इस आर से मैंने इस आर को काट दिया, तो आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर, यही फॉर्मूला वर्क के रूप में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। अब आप कहोगे सर नेगेटिव साइन आ गया, ये नेगेटिव साइन किसके लिए आया है? तो मैं कहूंगा कि पृथ्वी प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच के रखती है। कल मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा, एक बच्चा कहता है कि एप्पल गिर के टूटने के बाद न्यूटन के सिर पे गिरा, क्यों गिरा कोई मुझे बताएगा, ऊपर क्यों नहीं गया? भाई मेरे, पृथ्वी का मास बहुत बड़ा है और एप्पल का मास छोटा सा है, अगर एप्पल पृथ्वी से बड़ा होता ना तो पृथ्वी एप्पल पे जाके गिरता, समझ रहे हो? क्योंकि जिसका मास ज्यादा होता है वो अट्रैक्ट करता है। बच्चे का सवाल ये भी था कि भाई जब मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम लग रहा था, जितना पृथ्वी एक पिंड पे बल लगा रही थी उतना
एप्पल पे भी बल लग रहा था, लेकिन वो बात आपकी सही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन मास ज्यादा किसका है, फोर्स उसी ओर लगेगा, ठीक है, डायरेक्शन जो रिजल्टेंट फोर्स की आएगी वो, तो इसलिए एप्पल नीचे की ओर गिरा न्यूटन के सिर पे, ठीक है। तो ये लॉजिक है कि ये नेगेटिव साइन जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये नेगेटिव साइन है बेटा ऋणात्मक चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की ओर आकर्षण को प्रदर्शित करता है, पृथ्वी की ओर होने वाले अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये लॉजिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, जो वर्क के रूप में यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला याद करो एक बार, अगर ये फॉर्मूला याद है तो मैं फटाफट आगे चलूंगा, क्योंकि मैं आगे की कहानी इसी फॉर्मूले पे डिस्कस करने जा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन यू डब्ल्यू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद हो गया है तो मैं आगे चलूंगा, क्योंकि मैं इसी पे बारे पे डिस्कस करना चाहूंगा अभी आगे, ठीक है। इसी का यूज करेंगे अपन यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी यानी प्लाइन वेग पे, ठीक है। यस, प्लाइन वेग देखिए, एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे हम इसको लॉन्च कर रहे हैं 9 बजे सुबह का, ये लॉन्च हो चुका है, पता नहीं है कहाँ पे पहुंच जाएगा, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, मैं क्लास में हूँ सर, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग की। ये प्लाइन वेग क्या है, ये क्या है, क्या सिस्टम है भाई? अगर किसी वस्तु को अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो वो लौट के वापस पृथ्वी की सतह पे आ जाता है, यानी ऐसा क्या करें अपन उसको किस वेग से फेंक दें कि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन जो फील्ड है, जो एरिया है, जो प्रभाव है, उसको पार करके हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करके निकल जाए और वापस लौट के ही नहीं आए, ठीक है। जिस वेग से उसको फेंकेंगे ना, वही उसका एस्केप वेलोसिटी है, वही उसका प्लाइन वेग है। ये एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगाते लगाते इसको गुस्सा आ गया, इसको जो वेलोसिटी था वो एस्केप वेलोसिटी हो गया, बढ़िया वेग इसका, और ये अपनी कक्षा से सीधा टेंजेंशियल स्पर्श रेखा के रूप में लॉन्च कर गया, भाग गया, एस्केप कर गया। तो इसी एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग के बारे में हम इस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे अपन बात करें एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग के कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले तो बेटा, जब ऑब्जेक्ट को एस्केप किया जाएगा, वहां से उसको प्लाइन करवाया जाएगा, तो उसको ऊर्जा कहां से मिलेगी भाई मेरे? पृथ्वी की सतह पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो वो अनंत पे चला जाएगा, तो उसके लिए वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, यानी वही पोटेंशियल एनर्जी उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर ये चीज आपके दिमाग में चली जाएगी तो इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा यहीं पर। अगर आपको ये चीज समझ में आई कि जब उसको लॉन्च करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होंगी। अगर वो दोनों बराबर हैं तो आपको एस्केप वेलोसिटी का तुरंत से फॉर्मूला मिल जाएगा। और बेटा एस्केप वेलोसिटी का भी आगे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या बेटा प्लाइन करने के लिए जो रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, एस्केप जो एनर्जी है, वो है जी कैपिटल एम स्मॉल एम आपका अपॉन आर, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, एम ई मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको हम फेंकना चाहते हैं, हमेशा के लिए यहां से निपटाना चाहते हैं। अच्छा जी, अब लॉजिक यहां पे है बेटा, यहां पे इस पॉइंट पे मैं आपका ध्यान सभी बच्चों का ट्रिक करना चाहूंगा। प्लाइन ऊर्जा एस्केप एनर्जी जो कि बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, मैंने आपको अभी समझाया, मैंने यही बात बताई है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो पूरी कहानी क्लियर है। क्या उस कंडीशन में यहां पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बस। ये पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m वी स्क्वायर, वी की जगह हमने ई लगा दिया, ई का मतलब बेटा एस्केप वेलोसिटी, इसकी का मतलब है एस्केप वेलोसिटी। तो बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया है तो आगे की कहानी पूरी क्लियर है, आगे कुछ भी नहीं है, आगे का पूरा ग्राउंड क्लियर है बेटा, ठीक है। यस, यहां पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी की सतह पे किसी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर उसको एस्केप करना है
तो वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वही पोटेंशियल एनर्जी, वही उस पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर है, एम से एम कट गया है और उसके बाद में यहाँ पे और कोई वैल्यू कट नहीं रही है, मुझे इसको टू से मल्टीप्लाई कर देना है, टू कैपिटल जी कैपिटल एम बटे में आर ई आपका यहाँ पर आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा एस कैप वेलोसिटी का आ गया है। अब हम इसका अंडर रूट लगा सकते हैं, अंडर रूट लगा के लिख सकते हैं वी ई बराबर अंडर रूट टू जी एम बटा आर ई। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको एक बार अलग से और लिख देता हूँ नीचे की साइड में। ये आपका बेटा एस कैप वेलोसिटी प्लाइन वेग वी ई बराबर अंडर रूट टू टू जी एम।